नमस्कार एंड वेलकम टू सिमानिस किचन मुके आसचे आपण मानते बहुत बढ़िया बढ़िया वेजिटेरियन रेसिपीज। तो आज आम बनवा बिना क्षीर रे पनीर जोड़ार ना हूँ बेसन रो पनीर। जदि आप क्षीर पसंद ना कि जहाँ को क्षीर खावाक मना तो से निश्चित भाव खाईपरेंगे घर बनई निश्चित भाव भल लगे। तो यार मोर गोटे छोटिया मेमोरी अच्छे एक्चुअली यहाँ एक्चुअली बेसन रो पनीर टा मुझुअली जन जन शिखी थी से गोटे सांग घर जाइली और मत बेसन रो पनीर तरकारी माँ बनते सी सर्व बनई सी सर्व करते खाई और मत बहुत बढ़िया लगे एक्चुअली। तापर मुझे रेसीपी को मुझ मो सांग को पचारि और सी मत कही मो हिसाब से ट्राए कर बनैली घरे आपटू पूरा सॉफ्ट बेसन बेसन रो पनीर बनुच्छे देखिए बनैबे निश्चित आपको भल लगे। पनीर टा बनला बेसन रोटा कि माँ कही यार जो मसला टा बनाऊ मसलार तरकारी मो मम्मी रेसीपी जोड़ा मो माँ कही तो यहाँ दुईटा माँ का कम्बिनेसन तरकारी बनुच्छे तो निश्चित भाव में यह आपको भल लगे मुझे आशा कर। तो आपड़े चल देखना मोर यही बेसन रो पनीर तरकारी वीडियो रे। तो जदि मो वीडियोटी भल लगी था मो वीडियो को लाइक शेयर आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ ऊपर थिवा बेल आइकन को दबाय को न भूलंतु। बेल आइकन दबाय द्वारा आपन माखु को मोर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचि जइबो। तो चलो तो स्टार्ट करियो आज रो बेसन पनीर तरकारी रेसिपी। प्रथम आम गोटे पैन नहीं जीवा आ सेथिरे आमे 1.5 कप पानी नेबा। आमे एठी आम फ्लेम को लो रे रखिछंती तापर सेथिरे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एड करिबा तापर आधा छोटा चम्मच लुण एड करिबा गोटे चुटकी खाइबा सोडा। एठी आमर फ्लेम को हाई रे रखी कि आमे पानी को फुटिबा को छाड़ी देबा। एबे आमर एठी पानी फुटी आसलानी एबे आमे आमो फ्लेम को मीडियम को कर देबा। एबे आमे एठी नै जने गोटे कप बेसन आ 2 टेबलस्पून बेसन जहाँ को आम पर एड करवा प्रथम एड करवा। एबे आम बेसन को नेबा आ एमिती धीरे धीरे एड करके एमिती मिसे नेबा कंटिन्यूसली आमको एठी मिसेबा को पड़िबो। एबे आम फ्लेम को आम हाई रे रखी चंती आ एमिती आम मिसो चंती मिसेवा फल छोट छोट गुला रहा दरकार बहुत बड़ गुला आमको दरकार नहीं आमको एमती मिसेवा को पड़ो कि समय एमती मिसेवा परे आम एठी गोटे बड़ चमच बेसन एड करवा या को आम भल भाव मिसे नवा। आमर बेसन गाढ़ा ही आसला आप देखी पारे एमती आउ कि समय सीझा पर आम आउ गोटे बड़ चमच बेसन पाउडर एमती एड करवा आउ मिसे नबा। देखंतु आमर बेसन टा मोटा हे आसलानी आम बेसन एबे रेडी हे सारछि याकु आमे गैस को ऑफ करके बाहर कर नबा। आमे एठे गोटे छोटिया प्लेट नहीं एथर टिके गहरिया अच्छी आपड़ जेकोसी सेप्र भी नहीं पारे एथे छोट चमच तेल दे कि आम एम स्प्रेड करनवा। एबे आमे एथे आमर बेसन रो मिश्रण को बाहर करनवा। तापरे आमे याकु प्रेस करी हाथ रे धीरे धीरे आपको सेप्रे आनिबा। इथरे आमे पानी ऐड करछुनी पानी रे हाथ दे कि धीरे धीरे आमे आपको किछ समय पे प्रेस करिबा जेमिति ए सबु
भल भाव सेट हो पर थंडा हवा पर आम जो काटा यहाँ बिल्कुल भी भांग ना। एबे आमे बेसन को भल भाव प्रेस कर सारे या साइड थंडा हवा छाड़ देबा। चलो स्टार्ट करिबा मसला बनेबा। मसला पे आमे इटनी पांच कोळ रसुण आ छोट छोट करी कटा हेइथिबा अदा गोटे छोट चमच आ गोटे बड़ प्याज जोटा को आमे एमती पीस पीस करी काटि नै छथि। आपण जो शेप रे भी करनेबे एठी गोटे छोट पाखुडा अनासी फूल दुईटा छोट अलैच आनिटा छोट पीस आमर दालचीनी आ गोटे छोट बेल तेजपत्र। प्रथम आम ए सब को आम मिक्सी जारे एड करनेड करवा अधा छोट चमच जीरा अधा छोट चमच धनिया आ दुई रु तीन टेबुल स्पून पानी बा बड़ चमच पानी एड करी आपको आम बाटने बा। मसला आमर बटा है कि रेडी हो सारी आपण या देखी पार्थे या साइड रखिद आलत तो आम स्टार्ट करवा बेसन पनीर। तो देखु आमर ये बेसन पनीर जो बनवा सीटा सेट हो रेडी हो सारी मानते थंडा भल भाव हो सारी। चलत तो आम या काटने आम घर जमी पनीर काटू ता भाया ही काटा या ना बहुत छोट कर ना बहुत बड़ आम ये मीडियम साइज रे काटने देखु एमती गोटे पीस को बाहर करने बा, एमती सब को गोटे गोटे करी बाहर करी नियंतु। तो एमती भाव आपण सब बेसन पनीर को बाहर करनी तापरे आम याको छाणी नबा। छाणीवापाई आम ये मीडियम फ्लेम रे गोटे तेल कढ़ी रे तेल नहीं छंती जोटा कि आम तेल गरम हो सारी। तो आम एम बेसन पनीर को एड करदे सबुतक पनीर एड कर सारे या आम गोटे रु दुई मिनट पर्यन एमती मीडियम फ्लेम रे ही छाणी ने। आपण ये देखि पार्थे आमर बेसन पनीर रेडी हो सारी। तो या आम गोटे टीश्यू पेपर को काढ़ की नहीं बा एमती सब बेसन पनीर को रेडी करवा आम सैड करवा चल स्टार्ट करवा आम बेसन पनीर तरकारी। तो आम ये गोटे कढ़ई नहीं गले मीडियम फ्लेम रे आई बड़ चमच तेल नहीं जीवा। तेल आम गरम हो सारे आम गोटे छोट चमच चीनी एड करवा चीनी एड करके आम कैरामेलाइज करवा जोड़ा कि आम बहुत बढ़िया तरकारी कलर आम चीनी को एड कर देखो। तो आम चीनी कलर हो आसला कैरामेलाइज हो सारा एवं आम जल्दी जल्दी या स्लो करना आ गोटे तेजपत्र एड करदे तेजपत्र बहुत बढ़िया फ्लेवर दे था। आठ आम अधा कटा है पतला पतला पियाज को भी एड करना आम तेल बहुत गरम हो सारी से आम आम फ्लेम को स्लो रे रखि नहींपर आम एड करवा गोटे कटाई छोट छोट कटाई आलू आलू को आम एड कर सारे आमर पुणी फ्लेम को मीडियम रे रखिकी आम या कि समय पर भाजी नवा एमती कि समय भाजवा पर आपने देखिपे आम आलू और प्याजर कलर बहुत बढ़िया चेंज हो सारी। एबे आमे एथरे एड करिबा आधा छोट चमच लंका गुंड आधा छोट चमच हल्दी पाउडर आ किछि परिमाण रे लुण लुण को मिसे के आमे एमिति फलर मिसे नबा। आमे एमिति करछनी कण पे आमर तरकार रे बहुत बढ़िया एमिति लाल कलर आसीबा पे तापर आमर बट्टा हेतिबा पेस्ट को मसला पेस्ट को एड कर नबा आ से ही मसला गिनारे किछि परिमाण रे पानी एड करके एमती एथरे मिसई नबा। एमती किछ समय मिसेबा परे एबे आमरो फ्लेम को लो रे कर नबा।
ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ୍ କରୁଛନି ଏଭରେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ମସଲା ପାଉଡର ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦେଇଥାଏ ଏମିତି ମସଲା ତରକାରୀରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣି ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1/4 କପ୍ ମାପିକି ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ପରିମାଣ ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ୟାକୁ ଆମେ କଭର କରିକି ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ମସଲାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 7-10 ମିନିଟ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମସଲାରେ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆମର ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଏଥିରେ ଆମେ 2 ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ml ର ପାଣି ହେବ ଏଇଟା ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପନିର ଆଡ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ସେଥିରେ ମିଶିବ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମକୁ ହାଇ କରିଛନ୍ତି ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମସଲା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ଫୁଟି ଆସିଛି ତ ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିବା ବେସନ ପନିରକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ୟାକୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ତାପରେ ଆମର ଫ୍ଲେମକୁ ଲୋରେ କରିବା ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ କଭର କରିକି 7-8 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମର ଏଠି 7-8 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଆମେ ଏବେ ୟାର କଭରକୁ ବାହାର କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବେସନ ପନିର ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଫୁଲିକି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଆମର ଫ୍ଲେମକୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଶୁଖିଲା କସୁରୀ ମେଥି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଏମିତି ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିନେବା ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ତ ଏବେ ଆମର ବେସନ ପନିର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ତ ଏବେ ଆମର ବେସନ ପନିର ତରକାରୀକୁ ଆପଣ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ମୋ ରେସିପିଟି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସହିତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।